दिन भर महिलाएं घर और ऑफिस का काम करते हुए पूरी तरह थक जाती है। थकान की वजह से कई बार महिलाएं अपनी पर्सनल केयर की तरफ ध्यान नहीं दे पाती हैं। खान पान की तो अनदेखी करती ही है, साथ ही सोते समय कई बार महिलाएं ऐसी गलतियां कर देती हैं जो बार बार दोहराने पर आपको बीमारी कर सकती हैं। जी हाँ, महिलाओं को रात को सोते समय कुछ चीज़ों को उतार कर सोना चाहिए, नहीं तो वह गंभीर बीमारी का शिकार हो सकती है। टाइट कपड़े। विशेषज्ञों की माने तो रात में सोते समय ढीले और साफ कपड़े पहनकर सोना चाहिए। थकावट के चलते टाइट कपड़ों में सो जाना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन टाइट कपड़े पहनने से रक्त प्रवाह पर असर पड़ता है और पसीने के कारण उसमें चिपक जाते हैं, इसलिए साफ कपड़े पहने। अंडरगारमेंट्स। महिलाएं आमतौर पर दिन भर अंडरगारमेंट्स पहने ही रहती हैं और रात में भी इन अंडरगारमेंट्स को पहनकर सो जाती है, लेकिन इससे प्राइवेट पार्ट्स का टेम्परेचर शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ज़्यादा होता है। साथ ही यहां नमी की भी आशंका बनी रहती है, जिससे कई बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। बिना कपड़ों के सोने से इन अंगों में इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। बालों में लगाने वाली चीज़ों। अधिकतर भारतीय महिलाएं घर पर काम करते हुए कई महिलाएं हेयरपिन, जूड़ा पिन और क्लिप्स जैसी एक्सेसरीज को बालों में इस्तेमाल करती हैं। रात को भी सोते समय लगाकर सो जाती है, लेकिन क्या आप जानती है कि इन्हें लगाकर सोने से नींद तो खराब होती ही है, साथ ही इनके चुभने का डर होता है। कॉन्टैक्ट लेंस। कुछ महिलाएं इतना थकी होती है कि वह कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर सो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना से कॉन्टैक्ट लेंस खिसक कर इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं। साथ ही सोते हुए आंखों में लेंस की वजह से कॉर्निया को जरूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। मेकअप लगाकर सोना। रात में सोने से पहले मेकअप को अच्छी तरह उतारना चाहिए, क्योंकि स्किन पर मेकअप का बुरा असर भी हो सकता है, इसलिए सोते समय चेहरे को अच्छे तरीके से साफ कर लें, ताकि मेकअप आपके चेहरे पर रात भर न रहे। रात भर अगर आप मेकअप को चेहरे पर लगा छोड़ देंगी तो इसका बुरा प्रभाव आपकी त्वचा पर पड़ सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा hashmi.com चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।